मैंने तो को एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में पढ़ना इतना आसान कर दिया है, हम तो टेंशन ही खत्म कर दी। उलमा तो बयानात में ये करते हैं, नजर की हिफाजत करो, को एजुकेशन में किसी को ना देखो, कोई अच्छी लग रही है तो बहुत गुना मिल रहा है आपको, यूं यूं। मैं कहता हूँ जो अच्छी लग रही है निकाह का पैगाम भेज के शादी करो। इतना आसान कर दिया ना, शादी हो गई दोबारा अच्छी लग रही है उससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हुई अच्छी लग रही है इससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हो रही और अच्छी लग रही है इससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब आपको खारिश की बीमारी है। लड़की का अब्बा तो सबसे पहले देखेगा भाई तू कमाता क्या है, स्टेबल कितना है, तो उसको तो देखना भी चाहिए ये सब चीजें। तो फिर इनकी वाली किसी और को मिल जाती है तो इनको फिर गम कितने होते हैं। सबसे पहला गम दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, उसकी शादी कहीं और हो गई। फिर मजीद गम होता है कि उसके बच्चे भी हो गए, और जब दिल पे छुरे उस वक्त चलते हैं जब वो बच्चे आपको मामू कह रहे होते हैं।